हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी ना सिर्फ पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है, जिसका अर्क आयुर्वेदिक शास्त्र में गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। तुलसी की पत्ती, तना, जड़, जड़ की मिट्टी, लकड़ी, यानी तुलसी का पूरा पौधा ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण और उपयोगी होता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं अनुसार यह भगवान विष्णु की प्रियाशी हैं और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है, जिसके संपन्न करने से व्यक्ति के घर धन धान्य सुख समृद्धि संतान सुख जैसे तमाम फल प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार लोगों का सवाल होता है कि तुलसी का पौधा जल्दी घर में लगता नहीं और लग भी गया तो सूख जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर तुलसी का पौधा लगाने का सही नियम और महत्व क्या है। पंडित रमा शंकर जी ने बताया कि जिस घर में तुलसी नहीं वह वैष्णव नहीं। तुलसी तप और पवित्रता का प्रतीक है। जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है उस घर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सुख समृद्धि शांति और स्वयं हरि का वास होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं का अनुसरण करके तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए और सही विधि से उन्हें लगाना चाहिए। अक्सर लोग अज्ञानतावश कभी भी कैसी भी स्थिति में तुलसी का पौधा लाकर और घर में लगा देते हैं। इसी कारण तुलसी का अनादर होता है और व्यक्ति को उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता और वह सूख जाती हैं। तो आइए पंडित रमाशंकर जी से ही जानते हैं कि आखिर तुलसी का पौधा लगाने का सही नियम क्या है और उसका पूजन कैसे करें। कि लोग जब तुलसी का पौधा बाहर से लाते हैं तो घर में नहीं लगती हैं, अमूमन उसके पीछे कई किंवदंतियां जुड़ी हुई होती हैं। उन्हें नेवता देना होता है इससे पहले, या सुबह नहा के व्रत करके, ऐसी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके पीछे क्या मान्यता है, जब तुलसी का पौधा हम कहीं से लाते हैं तो किस तरीके से लाना चाहिए, क्या इसकी मूल रूपरेखा होनी चाहिए तुलसी के पौधे को घर में लगाने के लिए। तुलसी का पौधा कभी भी हम लेने जाएं तो इसमें कुछ तिथियां हैं। गलतियां लोग यहाँ पर करते हैं कि उन विषयों पर नहीं जानते, तो श्रद्धा से लाया जा सकता है। दिन में 3 दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रविवार, मंगलवार और शुक्रवार। तिथियों में षष्ठी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को तुलसी नहीं तोड़ी जाती और तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता। संक्रांति के दिन तुलसी का स्पर्श और तुलसी का आने का कारण, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान को हम अपने घर में पूजन करें, पहले अपने घर के इष्ट को मनाएं, उनको मनाकर उनसे पूजन करने के बाद हम उन्हें आमंत्रित करें, जहाँ से भी लें तुलसी पवित्रता के साथ उन्हें ले आएं। ले आने के बाद अपने घर में लगाएं और लगाने के बाद श्रद्धा से उनका सेवन करें, उनका पूजन करें और रखें। मान्यता यह है कि हमारा कुछ प्रारब्ध है, प्रारब्ध की वजह से, ना कि उन मान्यताओं की वजह से है, प्रारब्ध की वजह से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव और हमारे यमकृत बाधाएं, प्रारब्ध की बाधाओं की वजह से तुलसी टिक नहीं पाती। क्योंकि तुलसी का यदि हम हठात सेवन करेंगे तो नियत रूप से कुछ दिनों के बाद हमारे वो विकार खत्म हो जाएंगे और तुलसी स्वस्थ रूप से प्रफुल्लित होकर हमारे घर में हो जाएगी। आपने बताया कि कौन कौन से दिन में माता तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन आपने एक चीज कही कि कुछ तिथियां होती हैं लाने की। हाँ, तो विशेष तिथियां हैं, तो विशेष तिथियां लाने के लिए नहीं है, इन तिथियों का परित्याग करके ले आया जाए, इन तिथियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे षष्ठी तिथि को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, संक्रांति को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और द्वादशी एकादशी को, और ना ही इस दिन कहीं से उनको संकलित करना चाहिए। इनके अलावा अन्य तिथियों में, शुक्ल पक्ष या अन्य तिथियों में जो भगवान के महीने हैं, बहुत अच्छी कार्तिक की तुलसी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसी तरह आषाढ़ की तुलसी बहुत अच्छी मानी जाती है, भादों की तुलसी बहुत अच्छी मानी जाती है, और अगहन में तुलसी को यदि लगाया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, माघ में, बैसाख में, ये कुछ विशेष महीने हैं। तो इनमें चैत्र शुक्ल पक्ष में और अश्विनी शुक्ल पक्ष में तुलसी का बड़ा विशेष महत्व है, यदि इनको इस समय लगाया जाए तो विशिष्ट रूप से लाभ होते हैं।